बर्फ जितनी दिखने में अच्छी लगती उतनी होती नहीं है भाई, अभी पता चला यहाँ पे आके। अभी तो मैं निकल गया उन लोग के लिए। अभी मैं तो रेडी हो गया हूँ अभी इन लोग के लिए लेने का है सामान। ऐसे सामान आया कल बहुत सारा, इन लोग के लिए लेना है, नालायकों के लिए। किन के लिए लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे बताऊँगा, सब बताऊँगा, स्टे ट्यून। ओके तो जैसे मैं निकला तो देख सकते हो आप, बर्फ चालू हो गई गिरनी। तो मैं अभी भाग रहा हूँ अपने बस स्टेशन के, वहाँ पे जाता हूँ, बस पकड़ता हूँ, आपको बस में मिलता हूँ, ठीक है? तब तक आप बर्फ़ का भी एंजॉय कर सकते हो, करना है तो करवाता हूँ। एक मिनट, मैं तो बहुत ही भीग गया। अरे बाप रे, बर्फ़ जितनी दिखने में अच्छी लगती है उतनी होती नहीं है भाई, अभी पता चला यहाँ पे आके। अभी तो मैं निकल गया, उन लोग के लिए सामान भी लिया है, सोचो कितना अच्छा दोस्त हूँ, पर उन लोग मिलने को पता नहीं चलता है। ओह माय गॉड, इतना ठंडा, भागो। जब भी बाहर बर्फ पड़ रही रहती है, बहुत ठंडी रहती है, तो किसी की भी इस पे अपनी इस चीज पे अपनी तशरीफ रखने से बहुत डरते हैं। ये वो चीज़ है जो ये अभी के लिए वो चीज़ है जहाँ पे अगर अपनी तशरीफ रखी तो आप भस्म हो जाओगे। अभी आज के जो ट्रेन में मैं चढ़ा हूँ वो डबल डेकर ट्रेन है, तो मैं आपको ऊपर का दिखाऊँ या नीचे का दिखाऊँ, दोनों सेम ही है। मैं नीचे का दिखाऊँगा आपको, ऊपर से बहुत ऊपर है, नीचे का एकदम ग्राउंड लेवल पर दिखेगा ना, तो आपको मैं नीचे का दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी उधर ही बैठना चाहता हूँ इसके लिए। मैं तो अभी बैठ गया हूँ, आपको आपकी ट्रेन आपको ट्रेन के भी जाने दिखाता हूँ। वो दोनों मेरे को ब्रुसेल से ये जॉइंट ट्रेन होगी वहाँ पे, तो ब्रुसेल में आके मेरे साथ आएंगे, तो साथ में कट भी जाएगी। और मेरा नया आउटफिट देखा क्या, कैसा लग रहा है मेरा नया आउटफिट? सही लग रहा है तो कमेंट करो या तो लाइक करो। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं गेंट। गेंट बेल्जियम की अच्छी सिटी है, बिग सिटी भी माना जाता है। और तब का वेदर था कुछ क्या बोलते हैं, 6-7 डिग्री अच्छा था, पर सनी नहीं था और थोड़ा बारिश भी हो रहा था धीरे धीरे। और फिर हम जाने वाले थे यहाँ से प्लस कैथेड्रल, और ये है यहाँ की गलियाँ, और यहाँ की गलियों में हमें मिला गुरुद्वारा, वहाँ पे माथा टेका और निकले। जैसे कि आपको दिख रहे इतने सारे साइकिल्स, तो यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे कल्चर में ही है कि साइकिल चलाओ। इसके लिए ज़्यादा आपको बाइक नहीं दिखेगी, यहाँ पे साइकिल लोग ज़्यादा चलाते। जहाँ पे भी देखोगे वहाँ बहुत सारी साइकिल की पार्किंग्स होगी। और ये था मार्केट प्लेस जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बूढ़े जो भी है सब काम करते हैं। और अब हम जा रहे हैं कैथेड्रल के वहाँ पे। तो ये आ गए हम सेंट बावोस कैथेड्रल और सान निकोला चर्च, और वो था घंटा बड़ा वाला जो, हाँ वो ग्रे वाला जो रूफ है ना, वो बड़ा वाला घंटा, वहाँ पे भी गए थे। पर हम पहले आपको कैथेड्रल अंदर से दिखा देंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को दूसरी वो लगी कि सब लोग साइकिल चलाते, तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया सब जगह साइकिल ही साइकिल थी, सब साइकिल चलाते, कल्चर में भी साइकिल है तो हेल्थ भी अच्छा रहता है, पॉल्यूशन फ्री। और ये ट्रैम दिख रही है, तो ये सिटी में ट्रैम भी जाती है। बेल्जियम के हर एक सिटी में ट्रैम तो नहीं है, पर गेंट, एंटवर्प, ब्रुसेल, ये तीनों में मैंने देखा है ट्रैम है, तो अच्छी बात है। और ट्रैम और बस सेम ही है तो भी अच्छी बात है, दोनों के टिकट फेयर भी सेम है। और अब हम जा रहे हैं, और ये है अपना
और फिर क्या बोलते हैं अपन, मैं भूल गया, देखो क्या बोलने वाला था। हाँ कि वही चीज़, यहाँ से हर एक चीज़, हर एक मॉन्यूमेंट, हर एक टूरिस्ट प्लेस सब नज़दीक नज़दीक पे ही है। आपको ट्रैम भी नहीं लेना पड़ेगा, टैक्सी भी नहीं लेनी पड़ेगी, चल के जाएंगे, मज़ा भी आएगा, थकेंगे भी नहीं, पसीना भी नहीं होगा। तो और ये सब देखो, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, वो जो पीछे आपको दिख रहा है वो सेंट निकोला का चर्च है, और ये जो था वो घंटा घर था जो मैंने आपको पहले बताया, माई मिस्टेक। ये वाला जो है वो सेंट निकोला का चर्च है और ये घंटा घर है, माई मिस्टेक। मैं भी फर्स्ट टाइम अपना वॉइस ओवर डाल रहा हूँ ऐसे वीडियोस में, तो मेरे को माफ़ करना अगर कोई गलती हो गई होगी तो। और अब हम जा रहे हैं सेंट बावोस कैथेड्रल में, जो सबसे पहला टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारा। और ये बेसिकली अंदर से एक बहुत बड़ा चर्च है, जहाँ पे अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत ही बड़ा चर्च है, टूरिस्ट जगह है। और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मुझे माफ़ करना कि वहाँ पे अंदर मैंने दिखाया नहीं आपको। तो अब हम जा रहे हैं घंटाघर में अंदर जाएंगे और ऊपर से पूरा व्यू देखेंगे, अंदर से कैसे जो क्लॉक्स है वो सब कैसे ऑपरेट होती है मैकेनिकली, वो सब देखेंगे। डिजिटल वॉच तो थी नहीं पहले। और क्लॉक हाउस में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, और सबसे अच्छी बात है 12 साल के बच्चों के नीचे के लिए टिकट फ्री है, और जो बड़े अडल्ट है और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेम टिकट है, 1.50 सेंट्स, 1 यूरो 50 सेंट्स। और फिर अब हम अंदर जा रहे हैं, टिकट दिखा दी है, अंदर जा रहे हैं, चल रहे, बातें कर रहे हैं। तो ये था दूसरी चीज़ हमारी, क्लॉक हाउस। और ये चार स्टैचूज़ यहाँ के, इतना नहीं पता कि ये स्टैचूज़ के महत्व क्या है, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में कुछ लिखा भी नहीं था, तो हमें उतना पता भी नहीं चला। पर सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। पर मेरे ख्याल से क्या होगा कि वहाँ के जो सेंट्स होंगे या जिसने बनाया रहेगा उनके मॉन्यूमेंट्स होंगे। और ये यहाँ पे से पहली चीज़ जो दिखती है, कब बना था वो सब सब यहाँ पे बताया गया है, क्या क्या चीज़ था यहाँ पे, सब प्रिजर्व की गई है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाया गया था आर्किटेक्चर ने, तब ऐसा दिखता था वो। अंदर से ये सब चीज़ है, अंदर से लिफ्ट लेके एकदम ऊपर जाएंगे और बाहर की चीज़ आपको बताएंगे। लिफ्ट ले ली है, और यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में दिखाया गया था कि क्या हर एक लैंग्वेज में लिखा था कि क्या चीज़ है ये। और ये था मैकेनिकली कैसे क्लॉक ऑपरेट होते हैं यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम थे थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर लास्ट फ्लोर था, फिर उसके बाहर अभी जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्लेजेंट वेदर है, थोड़ी बारिश हो रही थी पर इतनी भी नहीं, और ठंडा वेदर बहुत ही अच्छा लगा। और उसके सामने ये कैथेड्रल था, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा था वो कैथेड्रल भी। और ये था घंटा, जो जब 12 बजेंगे तो टंग 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 होता है वो वाला। और अब यहाँ से घेंट की एक और एक चीज़ क्या है, इसमें भी रिवर पास होती है, तो यहाँ से भी बोट राइड होती है, और बोट राइड कुछ 40 मिनट्स की होती है, और 40 मिनट्स में सब कुछ आपको दिखाते हैं। बोट के अंदर कैमरास अलाउड थे पर उतना अच्छे से रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा था, तो मैंने उतना किया नहीं, पर जितना मैंने किया आप देखो, और फिर बहुत ही मज़ा आएगा। और ये जो चीज़ मैंने आपको पहले दिखाई थी वो था यहाँ का बहुत पहले का जूना सिटी हॉल, जहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते थे। और अब हम बोट में जा रहे हैं, क्या मतलब क्लीन कितना है पानी देखो। बोट राइड्स करीबन कुछ 7 यूरोज़ है, और बच्चे के लिए भी 7 यूरोज़ ही है। 40 मिनट्स के बोट राइड है, आपको सब आजू बाजू में सब दिखाते। लैंग्वेजेस आर इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, नेदरलैंड्स और डच। ये इनमें आपको सब समझाते अच्छे से। 40 मिनट्स की राइड, कैसल दिखाते हैं, फिर सब कुछ दिखाते हैं जो पानी से विजिबल हो। और बहुत बहुत अच्छी राइड थी मेरे हिसाब से, आपको जाना चाहिए। आप जाओगे अच्छे से देखोगे तो ही उसका महत्व है, बाकी तो कुछ नहीं।
और ये था कैसल। कैसल भी आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत ही बड़ा कैसल है, अंदर हम जाएंगे। इसके बाद वाला स्पॉट वो ही है, तो रुकिए बोट राइड ख़त्म होने दीजिए, सब्र करिए यार तुम लोग क्या करते हो, धक्का मुक्की कम कीजिएगा प्लीज़, सबको देखने मिलेगा। तो अब ये है कैसल की एंट्रेंस, और कैसल का नाम है गारवेनस्टीन कैसल, जो गेंट का कैसल था जहाँ पे महाराजा महारानियाँ रहती थी प्रजा के बीच में। और कैसल वॉज सराउंडेड बाय द बोट। तो यहाँ पे से हम ऑडियो लेंगे जो कि इंग्लिश में अपने को पूरा दिखाएगी। ऑडियो फ्री है, अगर टिकट ली तो ऑडियो फ्री है, और बच्चों के लिए टिकट फ्री है अबाउट 12, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए है 3 यूरो की टिकट। और ये कैसल है, और कैसल में ऑडियोज़ में भी हर अच्छा ऑडियो मिलता है। अभी ये 1 है तो वहाँ पे उसके बारे में सब बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कैसल पूरा सराउंडेड है वाटर से, आजू बाजू में पानी है, तो शिप से महाराजा महारानी अंदर आते थे, और आजू बाजू में अंदर शिप पहले के टाइम पे वहाँ पे मगरमच्छ और वो सब भी थे, तो एनिमीज समझ सकते हो, आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज़ में कि कैसल सराउंडेड होते हैं वाटर से क्योंकि एनिमीज से बचने के लिए। तो ये था पार्किंग स्पॉट कैसल का, और ये था महाराजा महारानी का रूम, ना बड़े बड़े आलीशान रूम थे पहले के, और यहाँ पे सब उनके प्रिजर्व किए गए हैं, उनके क्लोथ, उनके तलवार, उनकी पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ से ऊपर से टेरेस का या बालकनी का व्यू दिखता था। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे टॉप पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब देख रहे हैं, और आप भी देखो अब कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ से। और कुछ अगर आपने अच्छे से सब कुछ किया तो 2 घंटे का पूरा कैसल का है, एकदम अच्छे से ऑडियो सुन के वो सब। और ये था पार्क जहाँ पे टहल सकते हो आप, वहाँ पे भी बहुत सारी हिस्ट्री है उनकी। वो था जो आपको होल दिख रहा है वहाँ पे, वो था बाथरूम तभी के टाइम का। और यहाँ से आपको बोला था कि सराउंडेड बाय वाटर है, तो यहाँ से लेक अभी कर दिया है, और हमारे एंट्रेंस के लिए वैसा था। तो ये था शॉर्ट जर्नी मैंने तो ये था गेंट का कैसल। और अब हमारा टाइम लिमिट कम हो गया था, तो हमें जाना था हमारे घर पे, क्योंकि होस्ट फैमिली भी हमें बोली थी कि ये टाइम पे आ जाना। तो हमने मोस्टली मेन टूरिस्ट प्लेसेस तो घूम लिए थे और कवर कर लिए थे, और जो जो हम घूमें सब आपको बताए। और खाने के लिए इंडियन जगह भी है, तो उसका टेंशन मत लेना, अगर इंडियन हो आप, इंडियन चीज़ भी खाना है, यहाँ का खाना है तो वहाँ का भी खा सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज ट्राई करना वो भूलना मत। और फिर जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, स्टेशन में भी आप जैसे कि देख सकते हैं कितनी सारी साइकिल्स की पार्किंग, तो समझो अभी आप साइकिल चलाना शुरू करो, हेल्थ अच्छी रहेगी और एनवायरनमेंट भी। तो ये था हमारा गेंट का सफ़र, और आप हमें बताना कैसा लगा मेरा वॉइस ओवर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने किया था वॉइस ओवर, थोड़ा नर्वस भी था, मैंने थोड़े शब्द गलत भी बोले होंगे, तो आप मेरे को पकड़ लेना और मेरे को बोलना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या गलत बोला मैंने। और फिर ये सब थे टूरिस्ट अट्रैक्शन मेन गेंट के, तो जाके देखिएगा ज़रूर, आओ बहुत कुछ है, छोटी कंट्री है पर मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत मज़े भी किए थे हमने। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ आइएगा तब मज़े कीजिएगा, और आप जब आएंगे तब मेरे को टैग करना मत भूलिएगा फ़ोटो में, ठीक है। तब तक के लिए आपका अपना बेबी पांडा, कैमरामैन मीत रावरिया के साथ साइनिंग ऑफ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।